नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिशिया के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जस्टिशिया का पूरा नाम जस्टिशिया एडाटोडा बस्का है और ये भारत में पाए जाने वाला एक हर्ब है, एक प्लांट है, एक पौधा है, जो कि मोस्टली पहले के ज़माने में आयुर्वेद में और आज होम्योपैथ में और बाकी पहले लोग नॉर्मली भी खांसी में यूज़ किया करते थे। जब उनको खांसी हो जाती थी तो ये हर्ब, इसकी पत्तियां जो है पीस के इसको यूज़ किया करते थे खांसी में। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया खांसी के लिए। दोस्तों, इसको इंग्लिश में मालाबार नट भी बोलते हैं और इंडियन श्रूब या सिंघी भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जस्टिशिया हमारे शरीर में असर कहाँ करती है, क्या एक्शन है जस्टिशिया का। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण, क्या लक्षण होते हैं जस्टिशिया के। उसके बाद मैं बताऊंगा किस किस बीमारी में ज़्यादातर जस्टिशिया यूज़ करते हैं और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको जस्टिशिया लेना है, क्या डोजेज हैं जस्टिशिया के। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जस्टिशिया हमारे शरीर में असर कहाँ करती है, और असर करती है फेफड़े में, मतलब लंग्स में असर करती है। और लंग्स में जो कफ बनता है, खासकर एक्यूट कफ, जो सर्दी के बाद खांसी में कफ जो ज़्यादा बनने लगता है, तो इसके लिए जस्टिशिया बहुत ही अच्छा असर करती है और वहाँ जाके ये कफ को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। दोस्तों, ये पूरे श्वसन तंत्र, मतलब हमारा जो ट्रैकिया होता है और पूरे ब्रोंकस होते हैं, यहाँ पर अगर कफ जम जाता है या यहाँ पर हमें कोई और बीमारी भी हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा असर करती है जस्टिशिया। तो मोस्टली जो है जस्टिशिया कफ के लिए और श्वसन तंत्र के लिए, रिस्पायरेटरी जो फंक्शन होता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया। दोस्तों, अब चलते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जस्टिशिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिर से चालू करते हैं लक्षण। तो सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक होगा जस्टिशिया के पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, और सिर दर्द उसको ऐसा होगा कि उसको लाइट से, बहुत ज़्यादा लाइट से, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट रखी हुई है, तो लाइट से, लाइट को देखने से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर कोई उसके सामने कुछ बोलता है, मतलब साउंड से, आवाज़ से, उसको दर्द बढ़ जाएगा सर का। अगर ठंडी हवा आ जाए तो सर का दर्द बढ़ जाएगा। मोस्टली क्या होता है जस्टिशिया में कि एक्यूट साइनोसाइटिस, मतलब साइनस का जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण जो सर में दर्द होता है, इसके लिए जस्टिशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सर दर्द के लिए। तो अगर आपको साइनस या सर्दी के कारण सर दर्द है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है जस्टिशिया और पूरी तरीके से सर दर्द भी ठीक हो जाता है और जो सर्दी है, जो साइनस की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब सर से नाक की तरफ चलते हैं। तो नाक से आपको बहुत ज़्यादा कोरायजा होगा, बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और छींकें आएंगी, सर्दी हो जाएगी आपको, नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। आँखों से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और साथ में आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर ये लगातार आपको ये प्रॉब्लम एक साल या दो साल रह जाए, तो आपको नाक से कुछ सूंघेंगे तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी, तो स्मेल और टेस्ट दोनों चीज़ आना बंद हो जाता है जस्टिशिया के पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा नाक बहती है और साथ में छींकें आती हैं। और दोस्तों, अब क्या होगा कि सर्दी के कारण आपको कफ बनना चालू हो जाएगा। तो मोस्टली मैंने देखा है कि अगर एक्यूट, मतलब वायरल फीवर में जो सर्दी होती है, उसके बाद जो कफ बनता है, उसमें जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, अब चलते हैं नाक से गले की तरफ। तो गले में आपको, थ्रॉट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खाना खाने में, लीलने में आपको दर्द होगा, पानी लीलने में दर्द होगा, और ड्राइनेस, मतलब सूखापन आपको महसूस होगा, खासकर आपको मुंह में भी सूखापन महसूस होगा। दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम श्वसन तंत्र की तरफ चलते हैं, हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ चलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं कि क्या होगा हमारे श्वसन तंत्र में और कैसे कफ होगा जस्टिशिया का। तो जस्टिशिया का दोस्तों ड्राई कफ होता है, सूखा हुआ कफ, और कफ जो है वो पूरी तरीके से भरा हो, पूरे सीने में हमें कफ महसूस हो। और दोस्तों, जस्टिशिया के पेशेंट को एकदम से खांसी आती है, मतलब अभी मुझे खांसी नहीं आ रही है, लेकिन 5 मिनट में एकदम से लगातार खांसी अगर मुझे आए, सूखी खांसी और साथ में पूरा बलगम भरा हो, हालांकि जस्टिशिया गीली खांसी में भी बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन सूखी खांसी में और ज़्यादा इफेक्टिव है जस्टिशिया। तो सूखी खांसी और बलगम भरा हुआ हो और एकदम से, मतलब अभी बिल्कुल खांसी नहीं, किसी से बात करते समय एकदम से 5-6 खांसी या 10-12 खांसी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमस ऑफ कफ, एकदम से लगातार एक टाइम पे एकदम से आ जाए, फिर उसके बाद बंद हो जाए, फिर उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर से एकदम से खांसी आ जाए, या हम बेड में लेटते हैं तो एकदम से हमें खांसी आ जाए,
तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन में जस्टिशिया। दोस्तों जस्टिशिया के पेशेंट को अगर हमारे यहाँ पर पूरे सीने में कफ भरा होता है, गले में कफ भरा होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन महसूस होता है। जैसे हम बस में बैठ जाते हैं, पूरा बस भरी हुई होती है, तो हम कैसे, हमको सफोकेशन, एक अजीब सा सफोकेशन महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और दोस्तों जस्टिशिया के पेशेंट को गले में कफ होने के कारण उसको बोलने में तकलीफ होगी और बोलने में वो घरघराहट सी महसूस होगी और बोल अच्छे से नहीं पाएगा। जो उसकी आवाज़ है जस्टिशिया के पेशेंट की, वो भारी हो जाएगी, तो मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा हो जाता है जस्टिशिया में। और साथ ही साथ उसके गले में, श्वास नली में दर्द भी महसूस होता है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों, जस्टिशिया के पेशेंट को अगर लंबे समय तक वो खांसी चलती रही तो लास्ट में उसे वूपिंग कफ हो जाता है। तो वूपिंग कफ का मतलब होता है कुकुर खांसी, अगर भौंकने जैसी आवाज़ आए, मतलब इस टाइप की अगर आवाज़ आती है खांसते समय, तो उसको हम वूपिंग कफ बोलते हैं। तो वूपिंग कफ के लिए भी जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो ये सारे लक्षण हैं जस्टिशिया के। अब चलते हैं कि किस किस बीमारी में ये बहुत ही इफेक्टिव है, और साथ ही साथ मैं आपको पोटेंसी बताऊंगा कि कैसे कैसे लेना चाहिए जस्टिशिया को अलग अलग बीमारी में। सबसे पहले जस्टिशिया हमेशा मदर टिंचर या लोअर पोटेंसी, मतलब जस्टिशिया 3x आप लें। 3x नॉर्मली जस्टिशिया मिल जाती है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ मदर टिंचर की, 3x की तो शायद इंटरनेट में पिक्चर ना हो, अगर होगी तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा या क्लिनिक में जाके खींच के पिक्चर लगा दूंगा। तो जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है, और जस्टिशिया 3x, तो ये दो आप हमेशा अपने क्लिनिक में या अपने घर पर रखें, जस्टिशिया मदर टिंचर या जस्टिशिया 3x, बहुत ही इफेक्टिव रहता है खांसी सर्दी में। तो सबसे पहले जस्टिशिया एक्यूट कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, मतलब सर्दी खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब जब हम कुछ ठंडा पी लेते हैं, सरद गर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सरद गर्म में जो सर्दी खांसी हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन के बाद जो सर्दी खांसी हो जाती है, उसमें ये जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और मैं हमेशा जस्टिशिया प्रिस्क्राइब करता हूँ सर्दी खांसी में, और लगभग होम्योपैथिक की सभी जो टॉनिक आती हैं खांसी के लिए, सब में जस्टिशिया ज़रूर मिली रहती है। तो जस्टिशिया होम्योपैथी की मेन दवा है खांसी के लिए, सबसे मेन दवा है। जैसे आप अस्थमा के लिए ब्लाटा ओरिएंटलिस मेन दवा है, वैसे ही खांसी के लिए जस्टिशिया मेन दवा है। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दी खांसी में, किसी भी तरह की सर्दी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, जस्टिशिया मदर टिंचर आप दीजिए आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डालिए और 3 से 4 बार आप पेशेंट को देंगे, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार 20 बूंद डाल के, ये लीजिए आधा कप और उसमें डालिए 20 बूंद जस्टिशिया, और उसके बाद वो पी लीजिए, 3 से 4 बार आपको पीना है। बहुत ही इफेक्टिव रहता है जस्टिशिया मदर टिंचर सर्दी खांसी में। दोस्तों अब चलते हैं अस्थमा के कंडीशन में, तो अस्थमा में भी बहुत ही इफेक्टिव है जस्टिशिया। अगर आपको दमा की प्रॉब्लम है तो जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव है, इसको आप सिर्फ 2 बार लें अस्थमा के कंडीशन में, आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के गुनगुने पानी में लेना है। जस्टिशिया हो सके तो हमेशा आप गुनगुने पानी में लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप नॉर्मल पानी में नहीं मिले तो नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। तो आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के अस्थमा के कंडीशन में 2 बार लेना है सुबह शाम। फिर आगे चलते हैं ब्रोंकाइटिस, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाना, उसके कारण आपको लंबे समय तक खांसी होना, तो जस्टिशिया उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रोंकाइटिस में। आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है। ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकस जो होते हैं हमारे श्वास नली के नीचे वाले जो नली होती हैं, वो जो है वो चौड़ी हो जाती हैं, और चौड़ी होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और ये खांसी कभी बंद नहीं होती, और ख़ासकर उन लोगों को होती है जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या एज के कारण 60 साल के बाद खांसी जिनको हमेशा चलती रहती है। आप देखे होंगे कभी कभी किसी किसी पेशेंट को कि हमेशा कुछ ना कुछ खांसते रहते हैं, उनको हमेशा खांसी बनी रहती है, दवा लेते हैं लेकिन फिर भी खांसते हैं, तो वो कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस की। और ब्रोंकाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लेना है सुबह शाम। ऐसे पेशेंट खासकर जो एज जिनकी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया मदर टिंचर दें 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और लास्ट में दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन, मतलब फेफड़े में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन एक्यूट या क्रॉनिक, सब में जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर कफ बने, लंग्स इन्फेक्शन के कारण अगर खांसी हो या कफ बने, कफ निकले,
तो जस्टिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको ओपिनियन बताता हूँ जस्टिशिया का और मैं कितना यूज़ करता हूँ जस्टिशिया को। तो जस्टिशिया मेरे यहाँ हर दिन कम से कम लगभग 100 ml से 200 ml प्रिस्क्राइब मतलब मैं पेशेंट को देता हूँ। तो इतनी ज़्यादा जस्टिशिया मैं लोगों को देता हूँ, मतलब 200 ml बहुत होता है और लगभग 100 ml से लेकर 200 ml, कभी कभी अगर ठंडी का केस हो, ठंडी आने वाली है तो सर्दी खांसी बढ़ जाती है, जो कि अभी भी सर्दी खांसी के पेशेंट हमेशा आते रहते मेरे पास। तो सर्दी खांसी में हमेशा जस्टिशिया मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जस्टिशिया के साथ मैं इचिनेशिया और जिंजीबर्ग भी देता हूँ, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कॉम्बिनेशन का, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे देना है जस्टिशिया, इचिनेशिया, जिंजीबर्ग, सिनेगा, स्टिक्टा, ये सब मेडिसिन कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं हमेशा प्रिस्क्राइब करता हूँ, हमेशा अपने पेशेंट को देता हूँ जस्टिशिया जिनको खांसी या सर्दी हो। तो खांसी सर्दी में दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जस्टिशिया, आप भी अपने घर पे रखें हमेशा जस्टिशिया। और जस्टिशिया मदर टिंचर रखें, अगर 3x रख सकें तो 3x रखें, हालांकि 3x डाइल्यूशन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक बार आपको 3x डाइल्यूशन बनाने का भी विधि बता दूंगा। तो आप इस सब चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे चल के मैं और भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने खांसी को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं शुरुआती तौर पे। जस्टिशिया दोस्तों आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में, लगभग सभी होम्योपैथिक शॉप में आपको मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से जस्टिशिया मदर टिंचर मिल जाती है। मैं यहाँ पर एक बार और पिक लगा के दिखा देता हूँ। तो जस्टिशिया मदर टिंचर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने बगल वाली होम्योपैथिक शॉप से भी जस्टिशिया मदर टिंचर ले सकते हैं और जैसे मैंने बताया वैसे ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में शायद ये नहीं बताया कि कितने दिन तक लेना है, तो अगर आपको एक्यूट कफ कोरायजा है तो आपको 3-4 दिन तक लेंगे तो जस्टिशिया ठीक कर देती है। अगर लंबे समय तक अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस है तो आपको 2-3 महीने तक जस्टिशिया लेना पड़ेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या उसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल में जाके वो बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करना जस्टिशिया से रिलेटेड या खांसी कफ से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।